नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं अपराध जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर हमारे खास प्रोग्राम क्राइम 100 में। जिले में मंगलवार को एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां दो परिवारों में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। मामला जिले के मांडवा थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर दो परिवारों में झड़प हो गई। विवाद इतना बड़ा था कि इस पूरे घटनाक्रम में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार मांडवा थाना क्षेत्र के खजूरिया गाँव में 5 बीघा जमीन के लिए दो परिवारों के बीच झगड़ा हो गया, जिसमें 5 भाइयों के परिवार के बीच खूनी संघर्ष देखा गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें सिर पर लगने से युवक की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी घटना की जानकारी ली। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tnivaaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। इटावा में गैंता रोड पर बच्चों में हुई मामूली कहासुनी के बाद एक ही समुदाय के दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान धारदार हथियारों से एक दूसरे पर हमला कर दिया गया। हमले में दोनों पक्षों के 4 महिला सहित 13 लोग घायल हो गए, जिन्हें इटावा अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से 4 घायलों को नाजुक हालत में कोटा रेफर किया। वहीं इटावा थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। SI प्रकाश चंद शर्मा ने बताया कि सूचना मिली कि गेंदा रोड पर एक समुदाय के दो पक्ष आपस में झगड़ गए, जिनमें 10 से 12 लोग घायल हुए। तुरंत ASI पतराम को साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को इटावा अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं 4 की तबीयत नाजुक होने के चलते उन्हें कोटा रेफर कर दिया गया। अन्य घायलों में 4 महिला और 9 पुरुष सहित दोनों पक्षों के 13 लोग घायल हो गए। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tnivaaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। डीग नगर पालिका पार्षद गिरी शर्मा के लोहा मंडी निवास पर चोरी का मामला सामने आया है। सोमवार रात को अज्ञात चोरों ने मकान की छत से घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक चोरों ने अलमारी से तकरीबन 4 लाख का सामान चोरी कर ले गए। मंगलवार सुबह पार्षद गिरी शर्मा को जैसी घटना की सूचना मिली, मोहल्ले में हड़कंप मच गया। पार्षद ने पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद थानाधिकारी रघुवीर सिंह और सिटी इंचार्ज अजय यादव ने उनके निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने चोरी की हालत देखते हुए आसपास के इलाके का मुआयना किया। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tnivaaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।
15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप हुए हेड कांस्टेबल अब्दुल रऊफ ने एसएचओ राजेंद्र सिंह शेखावत के कहने पर ही मासिक बंदी लेने की बात कबूली है। एसीबी द्वारा जब राजेंद्र सिंह शेखावत के सरकारी आवास पर तलाशी ली गई तो वहां से मादक पदार्थ और अवैध हथियार बरामद हुए, जिसके बाद राजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत अलग से प्रकरण दर्ज किया गया। एसीपी एडीजी दिनेश एमएन ने बताया कि बजरी के परिवहन के लिए परिवादी से 20,000 रुपए की मासिक बंदी मांगी जाती थी। मासिक बंदी को 20,000 से कम कर 15,000 रुपए करने के लिए एसएचओ राजेंद्र सिंह शेखावत के कहने पर हेड कांस्टेबल अब्दुल रऊफ द्वारा 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसीबी टीम द्वारा अब्दुल रऊफ को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tnivaaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। कोतवाली थाना पुलिस ने छोटी चौपड़ पर आतंक मचाने वाले हिस्ट्री शीटर मेराजुद्दीन को हत्या के प्रयास के मामले में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने चौपड़ पर कई लोगों पर कार चलाने का प्रयास किया था। इस दौरान हिस्ट्री शीटर अपनी कार को रास्ते में ही छोड़कर फरार हो गया था। घटना में पुलिसकर्मी समेत दर्जनों लोगों की जान बाल बाल बची थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर स्पेशल टीम का गठन किया है। डीसीपी नॉर्थ परिश देशमुख, एडिशनल डीसीपी धर्मेंद्र सागर के निर्देशन में एसीबी कोतवाली मेघचंद मीना और कोतवाली थानाधिकारी विक्रम सिंह के नेतृत्व में पुलिस की स्पेशल टीम ने आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना के आधार पर रातानाड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। शिकारगढ़ इलाके के एक सैलून से मंगलवार को 3 महिलाओं सहित एक युवक को पीटा एक्ट में गिरफ्तार किया गया। एसीबी दर्जाराम ने बताया कि शिकारगढ़ इलाके में क्लासिक यूनिसेक्स सैलून में वेश्यावृत्ति और गलत काम की सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर दबिश दी गई। 3 महिलाओं सहित एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। इन पर पीटा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। गिरफ्तार की गई 3 महिलाएं नॉर्थ ईस्ट की रहने वाली थी। पुलिस के मुताबिक शिकारगढ़ में क्लासिक यूनिसेक्स सैलून में गलत काम होने की जानकारी मिली थी। इनके जोधपुर में 2-3 जगह पर सैलून की भी सूचना मिली। लॉकडाउन में भी चोरी छुपे सैलून का संचालन कर अनैतिक काम की जानकारी मिली थी। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tnivaaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। राजधानी की शास्त्री नगर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बूंदी जिले में तैनात आरपीएस अधिकारी को ब्लैकमेल कर 50 लाख रुपए की डिमांड करने वाली एक महिला हेड कांस्टेबल जोधपुर से गिरफ्तार हुई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक साल 2019 में आरोपी महिला राजस्थान पुलिस एकेडमी में प्रतिस्थापित थी
उसी दौरान नव चयनित आरपीएस की ट्रेनिंग भी चल रही है। इस दौरान श्याम सुंदर विश्नोई और कौशल्य के बीच में जान पहचान हुई, दोनों की दोस्ती भी हुई। बताया जा रहा है कि महिला हेड कांस्टेबल कौशल्य देवी ने इसके बाद आरपीएस अधिकारी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, रुपए की डिमांड करने लगी। आरपीएस अधिकारी ने आरोपी महिलाओं को इसके बावजूद भी आरोपी महिला हेड कांस्टेबल और राशि देने की डिमांड करने लगी। पीड़ित आरपीएस अधिकारी का आरोप है कि महिला हेड कांस्टेबल लंबे समय से 50 लाख रुपए की डिमांड कर रही थी, जिसके चलते व्यवसाय में चल रहा है। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tnivaaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। शहर के डांगियावास थाना अंतर्गत एक गांव में शराबी पिता को अपनी बेटी से अपनी हवस मिटाने की चाह में जान से हाथ धोना पड़ गया। बेटी पिता की हरकत से परेशान हो चुकी थी। वह पहले भी जाती की कोशिश कर चुका था, लेकिन सोमवार रात को जब पिता ने सारी हदें पार करने की कोशिश की तो बेटी को अपने बचाव में वार करना पड़ा। पुलिस ने मामले में बेटी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। डांगियावास थाना अधिकारी कन्हैयालाल के मुताबिक सोमवार को पिता नशे में आया और बेटी को कमरे में पानी लाने को कहा। बेटी पानी लाई तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया, उसके साथ दुराचार करने का प्रयास किया। इस पर बेटी ने अपने बचाव करने के लिए पास रखा लठ पिता के सर में मार दिया, जिससे वो गिर गया। उसके सिर से खून बहने लगा। बेटी वापस अपनी माँ के पास जाकर सो गई। सुबह उठे तो पिता की मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को मथुरा दास माथुर अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tnivaaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। ग्रामीण इलाके के लोग भी अब कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आ चुके हैं। वहीं दूसरी और ग्रामीण इलाकों में झोलाछाप डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं, जिसके बाद कई मरीजों की तबीयत बिगड़ जाती है और गंभीर हालत में अस्पताल लाया जाता है, जहां उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद सरकार ने झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की आदेश दिए, लेकिन बाड़मेर में सरकारी अस्पताल में नेताजी अपनी झोलाछाप दुकान लगा रहे थे। जब इस बात की जानकारी चिकित्सा टीम को मिली तो टीम ने कार्रवाई करते हुए सीज की कार्रवाई शुरू की। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tnivaaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। हरियाणा के सोनीपत जिले में मेहलाना रोड के पास जलघर में डूबने से एक किशोर और एक बच्चे की मौत हो गई, लेकिन घटना की खबर पुलिस को नहीं दी गई। परिजनों ने मृतकों का अंतिम संस्कार भी कर दिया। ऐसे में मामला संदिग्ध लग रहा है। शिकायत मिलने पर ही पुलिस कुछ कर पाएगी। मिली जानकारी के अनुसार नितिन शर्मा, नितिन और ऋतिक मेहलाना रोड पर घूमने गए थे। जब वे काफी देर तक वापस नहीं आए तो परिजन उन्हें तलाशने पहुंचे। इसी दौरान परिजनों को सूचना मिली कि उपायुक्त कार्यालय के पास जलघर में तीन बच्चे डूब गए।
फिलहाल क्राइम 100 में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर बिना बदले बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ TNI आवाज।